बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, साथ साथ होमवर्क भी करते होंगे, ठीक है। और इसी तरह आप लोग छुट्टियों का काम भी करते रहना, लेकिन साथ साथ लेक्चर भी देखते रहें, ठीक है। टेक आउट योर सोशल स्टडी बुक। टुडे वी विल डू द वर्क पेज ऑफ लेसन नंबर 7, वर्क पेज नंबर 57, 58 एंड 59, ठीक है। आज जो मैं आप लोगों को वर्क पेज करवाऊंगी, तो वो हमारे पास है, वर्क पेज है, इसमें फर्स्ट जो हमारे पास ए पार्ट है, चूज़ द बेस्ट ऑप्शन टू रिजॉल्व ईच ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कि हमारे पास जो है तीन ऑप्शंस है, इसमें आप लोगों ने एक जो है चूज़ करना है। योर फ्रेंड पुशेस यू, अगर कोई आपको धक्का दे दे, या आपका फ्रेंड हो, ठीक है, एंड यू फॉल डाउन, और उससे जो है आप गिर जाओ, ठीक है। तो इसके ऑप्शन हैं, पुश दिम बैक, उसको दोबारा पुश लगाओगे, ठीक है। बी, गेट अप, उठ जाओगे एंड टेल देम नॉट टू पुश, के मुझे पुश मत करो। एंड सी, शाउट डोंट पुश एट देम, ठीक है, और चीखो के मुझे पुश मत करो, डोंट पुश, ठीक है। तो इसमें हमारे पास बी जो है, ठीक है, गेट अप, उठ जाओ और टेल देम नॉट टू पुश, के मुझे पुश मत कर, यही पोलाइटली वो तरीका है। सेकेंड वन, सम वन एक्सीडेंटली, अगर कोई एक्सीडेंटली स्पिल्स दियर ड्रिंक ऑन यू, अगर कोई आप पे ड्रिंक डाल दें, ठीक है, एक्सीडेंटली बाय मिस्टेक, तो ऑप्शन है डिमांड इन अपोलॉजी, ठीक है, कि आप डिमांड करोगे, टेल द टीचर या टीचर को बताओगे, बी है टेल द टीचर या टीचर को बताओगे, दैट दैट डिड इट ऑन पर्पस, इस मकसद के बारे में। एंड सी, स्टे कॉम, आप आराम से रह जाओगे एंड क्लीन अप द मेस, और उसको आसानी से जो है साफ कर दोगे। तो करेक्ट वन इज सी, ठीक है, जो करेक्ट हमारे पास है वो कौन सा है, सी। थर्ड वन, यू सी समवन ओल्डर देन, अगर कोई आपसे बड़ा हो, आप देखे यू बीइंग बुलीड एट स्कूल, और आपको स्कूल में धमकी दें, टेल अ टीचर, कॉन्फ्रंट द बुली, ठीक है, इग्नोर इट, या आप जो है उसको इग्नोर कर दोगे, ठीक है। तो टेल द टीचर, टीचर को भी बता सकते हैं, ठीक है, और इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन करेक्ट वन इज द टेल द टीचर। टॉक अबाउट योर आंसर विद योर क्लास मेट, आप जो है किसी से भी डिस्कशन इसके बारे में कर सकते हैं। आपसे बी पार्ट जो है, मेक अ पोस्टर, ठीक है, कोई पोस्टर बना दे अबाउट समथिंग यू हैव लर्न अबाउट पीस, अमन के बारे में, इन कॉम्प्लेक्स लड़ाई इन दिस लेसन, ठीक है। तो ये इतना ये नहीं है। सेकेंड नंबर जो हमारे पास है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास वर्क पेज है, पेज नंबर 58, नॉट 59, ठीक है, 58। सी पार्ट, मार्क द सेंटेंसेस विद ट्रू और फॉल्स, यानी इसमें ट्रू फॉल्स लिखने हैं। फर्स्ट वन, द यूएन United Nation has 51 member states, यानी उसके 51 member states हैं, नहीं इससे ज़्यादा हैं आजकल। It is difficult to think clearly if you are angry, अगर आप गुस्सा हो तो वो जो है आप लोग आपके लिए difficult होता है कुछ सोचना। Yes, it is okay. Third one, it is okay, it hit someone, ये सही है कि अगर कोई आपको हिट करे, इफ दे एनॉय यू, उसको आप जो है इग्नोर कर दो, ठीक है। तो गलत। कॉन्फ्लिक्ट, फोर्थ वन, कॉन्फ्लिक्ट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, लड़ाई जो है वो ज़िंदगी का एक मकसद, मतलब पार्ट भी है, हिस्सा है, लड़ाइयाँ होती रहती है, ठीक है, इसको हम जो है टिक भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड फिफ्थ वन, देयर आर नो सोल्यूशन टू कॉम्प्लेक्स, हमारे पास जो है कोई सोल्यूशन नहीं है लड़ाई झगड़े का, लेकिन ये है कि दोनों तरीक़ों से कि सोल्यूशन भी नहीं है, और दूसरी बात ये
कि हम जो है अगर किसी मतलब हर चीज़ पोलाइटली हैंडल करें, अच्छे खुशी खुशी हर काम करें, ठीक है, बोझ कीना कीना और ये चीज़ें जो है ना रखें, हसद ना रखें, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हम अपने आप से हटा सकते हैं, हम एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 2 पेजेस हैं हमारे पास, 57 एंड 58, द वर्क पेजेस ऑफ लेसन नंबर 7, बाय मिस्टेक मैंने 57 59 कहा था, लेकिन 59 इसमें नहीं है। कम टू द क्वेश्चन आंसर, जो हमारे पास यहाँ पे 56 पेज पे जो है क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट वन है डिफाइन द टर्म्स पीस एंड कॉम्प्लेक्ट, ठीक है, कि हमारे पास जो है पीस कॉम्प्लेक्ट को डिफाइन करें। फिर सेकंड वन है व्हाट डज द यूएनओ डू, यूएनओ क्या करता है, ठीक है, हाउ में यूएनओ क्या करता है, इसके बारे में एक वो है, डिड यू नो द यूएनओ इज़ आई ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड ऑन 24 अक्टूबर 1945, ये 45 में बनाया गया था आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, यानी सेकेंड जंगे अजीम के बाद बनाया गया था। इट्स एम और इसका मकसद था टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन, के इंटरनेशनल सतह पर एक उसकी जो है हेल्प करें। व्हेन इट्स वाज स्टार्टेड, जब ये स्टार्ट हुआ तो इसके मेंबर थे, द यूएनओ हैड मेंबर थे 51, ठीक है, लेकिन नाउ जो अब हमारे पास इसके मेंबर है तो वो 193 है, ठीक है। तो ये तो यूएनओ के बारे में था कि यूएनओ जो है वो 1945 में बना था, पहले इसके मेंबर्स 51 थे, अब 193 है। जो क्वेश्चन नंबर्स थर्ड है, हाउ मेनी वॉर हैव बीन देयर बीन एंड द वर्ल्ड लास्ट 30 ईयर्स, हमारे पास कितने जंग हुए, ठीक है, तो ये इसके आंसर्स फिर मैं बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट हैपन व्हेन देयर इज़ अ वॉर, यानी आप क्या करोगे, क्या वो करोगे कि कोई जब कोई जंग हो। वाई डू, फिफ्थ वन जो है, वाई डू वी नीड टू काम टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, हमें क्यों ज़रूरी है कि हम आराम से रहें तो हम जो है लड़ाई को सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट, सिक्स वन है व्हाट डज सूथिंग मीन, सतिंग मीन्स, सतिंग का मतलब है डू समथिंग, वैसे तो सतिंग जो है ये कहते हैं खुशामत को, हसद को, किसी को खुश करने को, ठीक है, तो सतिंग मीन्स डू समथिंग, ठीक है। तो ये तो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर जो है इंशाल्लाह अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी, ठीक है, और थैंक यू फॉर टुडे।